हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? अगर आप लोग अपने फोन में इस आईओएस वाली कंट्रोल सेंटर को यूज करना चाहते हैं, इस कंट्रोल सेंटर से इस कंट्रोल सेंटर में आना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आप सबको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने फोन में आईओएस वाली कंट्रोल सेंटर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाइपर ओएस 2.0 में हमें पाइल अप वाली जो रिसेंट वीडियो है उसकी भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो कैसे क्या करना है आप लोग को, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल आज तक बने रहना, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोज को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, और पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो में क्या पसंद नहीं आया, क्यों आप लोग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपके रिकमेंडेशन की वजह से हमारी वीडियो जो है यूट्यूब के सजेशन सेक्शन में जाए। एप्पल ने अपने कंट्रोल सेंटर में न्यू फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यानी कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर रिवैम्प कर दिया iOS 18 में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर में हमें फीचर्स देखने को मिला है iOS 18 में, जो कंट्रोल सेंटर के फीचर देखने को मिला दोस्तों, वो काफ़ी इंस्टेंट फीचर देखने को मिला, और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल पेजेस देखने को मिल जाते हैं, उसे आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हैं, टॉगल को चेंज वगैरह कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों बहुत से फीचर हमें iOS 18 में देखने को मिलता है एप्पल के डिवाइसेज में, पर वो सेम फीचर्स हम लोग अपने शाओमी के डिवाइस में यूज़ करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों पास शाओमी, रेडमी या पोको का फ़ोन है, तो आप लोग उसमें इस फीचर्स को, इस न्यू कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आप लोग को Mi 11X है, और इसमें मैं इंडिया वाला रोम को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग इंडिया पर रहते हुए इसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इस iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं IN इंडिया वाला बिल्ड है, Mi 11X यूज़ कर रहा हूँ। और अगर कंट्रोल सेंटर के फीचर्स की बात कर लेते हैं, सारे टॉगल्स या सारे फीचर जो एक्सेस है या नहीं, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक्सेस देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में जो हमें बैटरी साइड मिलता है वो देखने को मिल जाता है। आप लोग किसी भी मोबाइल डाटा या फिर वाईफाई के टॉगल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ के टॉगल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी जो भी ऑप्शन है आपको देखने को मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर वर्केबल देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर टैप करके एडिट वगैरह भी कर सकते हैं इस टॉगल्स को। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग iOS की तरह देखने को नहीं मिलता है एडिट वगैरह, पर आप लोगों को जो लुक एंड फील है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है, आप लोगों को सेम iOS की तरह देखने को मिल जाता है। और ये जो हाइपरमाइंड आप देख रहे हैं, ये को iOS के डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हाइपरमाइंड हमें शाओमी के फ़ोन में हाइपर ओएस में देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों को ये न्यू जो कंट्रोल सेंटर iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर है वो कैसा लग रहा है, और आप लोग भी इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में, कैसे आप लोग अपने किसी भी शाओमी रेडमी पोको का फोन में इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट से बने रहिएगा, सब कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला और हूँ। दोस्तों, ये जो iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर वो तो हमें देखने को मिलता है, इसके अलावा हमें iOS में एक और फीचर देखने को मिलता है, रिसेंट मेनू। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, रिसेंट मेनू आप लोग कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की सपोर्ट देखने को मिलता है। पर दोस्तों, एक सर्वे यहाँ पर निकल गया है, शाओमी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पेज, एक पोस्ट करते हैं यहाँ पर, वहाँ पर सर्वे देखने को मिल जाता है। आप सर्वे फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं कि डियर यूज़र, वी आर डूइंग अ फीचर रिसर्च अबाउट द रिसेंट एटम पेज। तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। अब आप लोगों ये पाइल ऐप वाले फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग सिंपली अगर आंसर सर्वे को फॉलो करेंगे तो कुछ सर्वे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, आप लोगों सिंपली उसे करेंगे, एग्री करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कौन सा फ़ोन यूज़ करें आप लोग। यहाँ पर बीच रिसेंट पेज स्टाइल बिलो डू यू लाइक, तो अगर आप लोग को ये पाइल अप वाले फीचर्स चाहिए तो आप लोगों को ये ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सर्वे फिल कर सकते हैं। सर्वे फिल करने के बाद आपकी सर्वे वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, और हो सकता है कि फ्यूचर में हाइपरोज 2.0 के साथ में हमें ये ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, पाइल अप वाली जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए। साथ ही साथ आप लोगों को iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर हाइपरोज 2.0 के साथ में देखने को मिल सकता है। अब उसमें आप लोगों को बताने वाले कैसे आप अपने किसी भी रेडमी पोको या शाओमी डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आप लोगों के फ़ोन में ये तीन फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, पर उससे भी जो मैंडेट है, उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो फ़ोन है वो रूट होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन को रूट कर लेना है, आप लोगों को अपने सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पर आप लोग को जायजिस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना। उसके बाद से आप लोग को मॉड्यूल्स में जाने के बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टॉल में जाना है, और आपको सबसे पहले जायजिस से जो मॉड्यूल है उसे आप लोग अपने फ़ोन में यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले आप लोग को इस वाले मॉड्यूल को अपने फ़ोन में फ्लैश करना होगा, रिबूट कर देना उसके बाद अपने फ़ोन को। उसके बाद से आप लोग को LS पॉज वाली जो मॉड्यूल है उसे भी अपने को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है, और जब ये भी फ्लैश हो जाए आपके फ़ोन में तो फिर आप लोग अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है। फ़ोन रिबूट होने के बाद मैजिक्स में चले जाना है, मैं आपको मैजिक्स में आकर दिखा देता हूँ कि फाइल इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। तो मॉड्यूल में जाते हैं, देख सकते हैं
जो मैजिक्स वाली जो फाइल जो मैंने इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको फाइल मैनेजर में जाना, जो कोर पैच वाली फाइल है उसकी एपीयू को अपने फोन में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। कोर पैच जब आपके फोन में इंस्टॉल हो जाए तो आप लोग को यहाँ पे चले जाना है LS POS मॉड्यूल्स है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर मॉड्यूल्स में चलने के बाद आप लोगों को कोर पैच देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों को और उसकी सेटिंग में चले जाना है। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सभी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे एनेबल कर देना है। मॉड्यूल पहले मॉड्यूल को एनेबल कर देंगे, उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सभी ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को फाइल मैनेजर में फिर से जाना और जो APK फाइल है सिस्टम UI प्लगइन की उसे आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर देना है। तो पहले आप देख सकते हैं ये हमारा डिफॉल्ट अभी देखने को मिल रहा है, पर जैसे हम लोग इस CPU को इंस्टॉल करेंगे, इस मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे फोन की जो लुक एंड फील वो देखने को मिल जाएगा। iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर, सेम ऑप्शन तो आपको देखने को नहीं मिलता जैसे iOS 18 में देखने को मिलता है, पर दोस्तों आप लोगों को जो लुक एंड फील है फर्स्ट इंप्रेशन है सेम टू सेम आप लोगों को iOS 18 की तरह देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को पसंद नहीं है ये जो इंटरफेस है iOS 18 कंट्रोल सेंटर आपको पसंद नहीं आता तो आप इसे इजिली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैजिक्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है और मैजिक्स में आने के बाद आप लोगों को जो मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल रहा है उसे आप लोगों को डिसेबल कर देना है। आपके फोन में ओरिजिनल HyperOS या फिर MIUI की जो भी कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने फोन में इस कंट्रोल सेंटर को iOS 18 वाली कंट्रोल सेंटर को किसी भी Xiaomi Redmi Poco फोन में यूज कर सकते हैं।